नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों देखिए, मैं सुबह का लगा हुआ था मिस्त्री के पास। वैसे करना तो कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ भी एकदम जरूरत पड़ जाए मिस्त्री को तो ला के देना पड़े। और अभी अभी आप थोड़ी सी भूख का एहसास हुआ, फिर इधर को चला, मगर देखो क्या बनाया क्या नहीं बनाया। ये लगी हुई है आंसू बनाने में, क्या बनाया? अच्छा, अरे वाह गजब। यार आपकी फिक्की भी रख दी, फिक्र ना करियो, का दिन सोचो फिक्की खानी पड़ेगी। ना कोई बात नहीं, मैं फिक्की खा लूंगा। नहीं तू कह रही सारी कुछ ही रख दे, नहीं फिर भाई बड़े काम रहेगा। मगर अच्छा उनके मारा सारी सब ऐसी खुआ। तो खीर बन चुकी है और सब्जी बन जाएगी, बस इतना छोंक दी। आप भी आ जाओ, गरम गरम खा लियो। आ जाओ सब। और इसमें नमक डाल दिया सब्जी में? अरे वाह। तो जी सब्जी मैंने छोक दी, रुचि बना देगी आटा और खाना मिस्त्री जी भी खाएंगे, तो इसलिए फटाफट करके बना रही है। 1 बजे का टाइम हो और मुझे थोड़ी देर होगी बनाने में, क्योंकि वही है मुझे पहले साफ सफाई का करना पड़ रहा था। इस वजह से मम्मी कह रही फटाफट बना दो, तो मैंने छोक दी और बन जाएगी रुचि, फटाफट आटा बना देगी। तो दोनों बहन मिल गए अब करते हैं काम को। रुचि टॉपर उतार देती है, रुचि का टॉपर नहीं उतरा। तो जी बस बना देती हूँ खाना, फिर दूंगी सबको। तो खाना बना रही हूँ मैं, सब्जी बन गई है और फिर बना रही हूँ रोटी। और मम्मी ने सबसे पहले दी है मिस्त्री जी को खाना, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी मैं देने के लिए उनको, मतलब बनाने में ही। तो मम्मी कह रही थी कि जल्दी जल्दी बना दो, वरना मैं 1 बजे, उनका फिक्स टाइम होता है भाई, वे तो काम करते हैं अपने टाइम के अनुसार, तो 1 बजे खाते हैं खाना। तो यहाँ बस मम्मी सबसे पहले मिस्त्री जी का ही खाना लगा रही है। दो हैं वे, दोनों खाते हैं, दोपहर के टाइम ही खाते हैं, बाकी तो सुबह शाम तो अपने घर ही खाते हैं। वे अपने घर ही चले जाते हैं, दोपहर के टाइम का खाना खाते हैं, बस बीच में उनको 2-3 बार चाय दे देते हैं। तो बस मैंने पहले, मम्मी ने पहले मिस्त्री जी का खाना दे दिया, फिर सब बैठ गए खाना खाने के लिए। तो रुचि ने सबको दे दिया और मैं बनाती रही, वो साथ साथ गरम गरम सबको देती रही। तो इसी तरीके से मिलजुल कर हो जाता है काम, और अच्छा भी लगता है जैसा कि मिलजुल के सब काम करते हैं एक साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो देखो अकेले अकेले लगे रहो, जहाँ अकेले रहते हैं वहाँ तो खैर करना मजबूरी होता है, एक अलग आदमी रहता है वो अकेले ही सारा काम करता है। लेकिन जहाँ सब रहते हैं, फैमिली जॉइंट फैमिली होती है और सब मिलजुल कर सारा काम करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे परिवार में इसी तरीके से करते हैं सभी, जैसा कि मैं और रुचि है, मम्मी है, जो मम्मी के करने का है वो मम्मी कर लेती है अपने काम, बाकी हम बर्डन नहीं डालते किसी काम का भी। जैसे हम दोनों हैं अब, तो मैं और रुचि कर लेते हैं सारा काम, और जो थोड़ा बहुत होता है, जैसा कि भाई ये बोल देती हैं कि नहीं मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं तुम छोड़ दो, तो जितना उनको लगता है ठीक है करना तो वे कर लेती हैं उस काम को, बाकी मैं और रुचि दोनों संभाल लेते हैं सारा काम, भले ही मैं रुचि भी ना हो, जैसा इंदु हो यहाँ पे तो वो भी कर लेती है। इसी तरीके से सब एडजस्ट करते हैं पूरा काम, और बहुत अच्छे से मिलजुल के करते हैं। और जॉइंट फैमिली का फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है, कि अगर एक ही किसी की, मतलब किसी को प्रॉब्लम है, ज़्यादा काम नहीं कर सकते, तो दूसरा उसकी हेल्प कर सकता है, तो बहुत फ़ायदे होते हैं। और मुझे जॉइंट फैमिली बहुत पसंद है ये चीज़, मतलब मैं अकेले रहना ना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं अकेली रह जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि परिवार में, मतलब कैसे मैं दिन निकालूँ पूरा, बहुत दिक्कत आती है। और जब सब मिलजुल के रहते हैं तो परिवार में पता भी नहीं चलता कि कैसे टाइम निकल जाता है, कैसे काम हो जाता है, चाहे कितना भी काम हो उसको भी मिलजुल के सब फटाफट से कर लेते हैं। तो बस खाना खुना सबका हो गया, फिर हम दोनों बहनों ने खा लिया था खाना, उसके बाद फिर जो बर्तन है वो भी इसी तरीके से हम करते हैं। मैंने बताया था आपको कि मिलजुल कर ही करते हैं, एक मांझ लेती है, एक धो देती है कपड़े वगैरह, जो भी काम होता है ऐसा करने का, तो ऐसे ही मिलजुल के दोनों बहन कर लेती हैं। तो यहाँ मेरा सारा काम हो गया। तैतर तैतर बाय 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 तैतर पापा ओए पापा शू कर दो शू बाय कर दो बाय बाय कर दो शू कर दो शू
शू कर दो आरू बाय बाय। तो जी शाम के बज गए हैं 6 और आज आपको मैं एक सरप्राइज दिखाती हूँ जो मुझे मिला, आज बहुत बड़ा है। बैठी मेरी दीदी, ये देखिए क्या। अच्छा तो ये देखिए मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, ये आज मेरे से मिलने आई है 14 साल बाद आज याद आई मुझे मेरी इनको। नहीं यार तो पहले भी थी लेकिन आज समय मिलाने का। हाँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि दीदी आई है मुझे मिलने के लिए। असल में ये भी यही जहाँ हमारा गांव है ना, तो हमारा जो कस्बा पड़ता है बुढ़ाना, तो यहीं पे ही है ये भी। लेकिन बस ये कभी हुआ नहीं आना जाना, ना हम जा पाए ना ये आ पाए, तो आज दीदी ने बहुत बड़ी पहल की है ये आने की और मुझे बहुत अच्छा लगा कि दीदी आई है। जीजा जी भी आए थे और उनके बच्चे, एक ये है छोटे वाला और बड़े वाला जीजा जी के साथ चला गया। मैं दीदी को छोड़ के चले गए थे कि थोड़ी देर बैठ जाएंगे, क्योंकि काम है सबका अपना अपना, काम में थोड़े बिजी रहते हैं जीजा जी, तो फिर दीदी को छोड़ के चले गए थे। तो बस जब मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, सॉरी, अगर दोबारा कभी ऐसा होगा मिलना होगा ही कभी क्या तो दोबारा जीजा जी से जरूर मिलाऊंगी। आज मैंने दीदी से ही मिला दिया आपको। और वो रहा, आप अपना नाम बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? नहीं दूसरा सार्थक सैनी। तो वो और जो बड़े वाला बेटा वो भी जीजा जी के साथ ही चला गया था। तो ये देखिए बहुत अच्छा लगा, बस यहाँ सब बैठे हैं, बातें चल रही है हमारी काफी देर, और आपको पता ही है जहाँ लेडीज इकट्ठी हो जाती है वहां से चुप रहना नामुमकिन है। और हम तो इतने दिन बाद मिले, बहुत दिन बाद मिले, वैसे मिले बीच में लेकिन एक दूसरे के यहाँ आए गए, बस ऐसे ही टाइम नहीं था, यही समझ लो समय अभी आया। तो अभी हम मिले और बहुत अच्छा लगा। अब दीदी ने शुरुआत कर दी, अब मैं सब पकड़ के रखूंगी, अब मैं दीदी के पीछे पीछे चलूंगी जरूर। सही है, अब डोरी टूटनी नहीं चाहिए। हाँ अब अपनी रस्सी को पूरी मजबूत बना देंगे। तो जी बस यहाँ बस बैठे हैं, बात कर रहे हैं, मम्मी भी बैठी, गुड्डू भी, गुड्डू को तो पता ही फोन पर रहती है 24 घंटे। और दूसरी भी देखो, मैं अपने काम पे हमेशा पूरे डट कर रहती हैं दोनों की दोनों, है ना, फोड़ती तो नहीं। तो जी बस अभी बैठे हैं, थोड़ी देर बात करते हैं, फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो काफ़ी मतलब देर तक हमने बातें की और मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था जब दीदी आई थी, कि कैसे उनका शुक्रिया करूं, क्या बोलूं कि इतने दिन बाद हम मिले। और मतलब ये मेरी ससुराल में यहाँ पे पहली बार आए मुझसे मिलने, और मैं भी नहीं गई कभी तक, पता नहीं बस समय का ही था सब कुछ। ये आज उन्होंने बहुत अच्छा करा और मैं इतनी खुश थी कि मतलब बात तो कर रहे थे लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे कि क्या हो, इतनी खुशी का मेरी ठिकाना नहीं था आज बिल्कुल भी, कि बहुत अच्छा लगा मुझे दीदी आई। और देख लो मतलब इतने पास हो के भी इतने दिन बाद आए, तो इस चीज़ का ज़्यादा लगता है लेकिन फिर भी जैसे कैसे। और दीदी ने बोला कि समय का ही था सारा, मतलब समय अभी था, तो वो बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने बोला कि समय अभी आया तो इसीलिए हुआ सब कुछ, इसीलिए आना जाना हो गया। मतलब मैं आए और बस फिर मैं काफ़ी देर 1-2 घंटा बैठी मेरे पास और मुझे बहुत अच्छा लगा। बस फिर मैं शाम के टाइम चली भी गई थी, मैंने उनको रोका भी लेकिन कहने लगी नहीं घर जाना है, बच्चे भी भाई अपना फैमिली का काम है, तो बस फिर मैं शाम को चली गई। तो जी अब हो गया है शाम का टाइम, शाम का क्या रात का, ये देखो बिल्कुल अंधेरा हो रहा, 7 बज गए और मैं तो चली गई थी दीदी। बस फिर यहाँ लग गए हैं खाना बनाने में, और खाने में आज क्या बनाया, आज बनाई खिचड़ी, सब्जी रखी है दोपहर की, वो ही रखी थी आलू गोभी की जो बनाई थी, तो खिचड़ी बनाई है थोड़ी सी, जो कोई खिचड़ी खाएगा खिचड़ी खा लेगा। और सेक ली है रोटी, और रुचि सेक रही है रोटी यहाँ पे, और खिचड़ी है बना दी, कुकर रखा, और बस जो कोई जो भी कुछ खाएगा सबको दे दूंगी। और सब आ गया खाना खाने के लिए, ये देखिए ईशु खाना नहीं खाना, इसमें ही लगी रहेगी, नुकसान देगी या ज्यादा है। आरू क्या खाएगी, क्या खाएगी, क्या खाएगी, ये खाएगी। पापा बोलिए, पिछला गेयर जब दबराए दस तो पीछे, हाँ ये, तो उसके ये
पिछला पैर डब रहा तेरा उतरा नहीं जा रहा पकड़ ले तो एक या छोटी सी और इसके साथ कैसा टाइम कट जाना है यहाँ सबका पता नहीं चलता सबका ये नौटंकी इतनी कर रहा है सबका मन लगा कर रखे पूरा तो जी मैं खाना दे देती हूँ सबको